आज हम जानेंगे कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का मेंस का पेपर देखते हैं तो वहाँ आपका जीएस टोटल 1000 मार्क्स का जीएस होता है। ठीक है, एससी का पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शनल पेपर है ये टोटल 500 मार्क्स का होता है। एंड आपका मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का भी मार्क्स ऐड किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट टोटल 275 मार्क्स का होता है। तो यहाँ आप देखिए, ये टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलता है वो 1000 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 275 टोटल मार्क्स आपका हो जाता है 2025। ठीक है, अब जीएस में 1000 मार्क्स का होता है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जीएस पेपर वन 1000 मार्क्स कैसे होगा। जीएस पेपर वन जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर टू भी 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर थ्री भी 250 मार्क्स का होता है। एंड जीएस पेपर फोर भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, बात यहाँ ये समझने वाली है कि 2025 मार्क्स में से, जैसे अभी का लास्ट ईयर का जो फाइनल टॉप रैंक जिनका आया था, उनका 2025 में से मार्क्स आया था 1094 मार्क्स उनका आया था। तो आप इस मार्क्स में किस तरीके से आप बैलेंस करके पढ़ाई करते हो कि आप 50-60% 1000-1100 के बीच में आप मार्क्स लाते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है हम ये जानेंगे। बहुत स्टूडेंट आते हैं, पूछते हैं मैम ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए किस चीज़ को हम आधार माने, किस चीज़ को हम बेस मानकर चलें ताकि हम ऑप्शनल में अच्छा कर सकें। अब बात ये आती है कि ऑप्शनल पेपर पे ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है। देखिए, जीएस पेपर आपका टोटल 1000 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, पेपर वन 250 मार्क्स एंड पेपर टू 250 मार्क्स, मतलब टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे डिसाइड करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करते टाइम
आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा ताकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, मेंस में अच्छा मार्क्स लाना होता है और फिर इंटरव्यू भी अच्छे से तैयारी करके जाकर देनी होती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप वैसा सब्जेक्ट रखिए जिसमें आप अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि वो आपके मेंस के मार्क्स में ऐड करके मतलब बेटर हो सके बाकी दूसरे ऑप्शन के तुलना में। अब यहाँ सबसे पहले बात ये बोला जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। इंटरेस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो बात यहाँ आती है कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो मतलब क्या, मतलब पढ़ाई पढ़ने में तो किसी को इंटरेस्ट, बहुत कम लोग होते होंगे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, कहानी सुनने में तो अच्छा लगता होगा मैक्सिमम लोगों को। तो आपको यहाँ केवल इंटरेस्ट तो लगभग मैक्सिमम टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आता होगा, सोशियोलॉजी भी पढ़ने में, ज्योग्राफी भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता होगा, हिस्ट्री भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता होगा, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता होगा। तो मतलब इस सारे टॉपिक को हम किस तरीके से डिसाइड करें कि हम कौन से सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रख सकें। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान देने की है कि जो मेंस का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब कि आपको राइटिंग करनी है, उसमें लिखना भी है, ऐसा नहीं केवल पढ़ लिए, कहानी सुन लिए और कहानी हम दूसरों को सुना दिए, चलो मेरा इंटरेस्ट इसी में था, सुना दिया, हो गया काम ख़त्म। बात यहाँ नहीं आती है, बात है कि आपको, बहुत सारे लोग कहानी सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो दूसरी बात होती है इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी, आप उस सब्जेक्ट को राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो अच्छे से और उस सब्जेक्ट में अच्छे से लिख भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम समझ रहे होते हैं, समझ अच्छे से रहे होते हैं, हम दूसरे को भी समझाने में उतना कंफर्टेबल नहीं है लेकिन खुद हम समझ रहे होते हैं, लेकिन लिखने के जब टाइम आती है तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप वैसे सब्जेक्ट लिखो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, किसमें, पढ़ने में भी और लिखने में भी, ठीक है, और एक्सप्लेन करने में भी। मतलब इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको अच्छे से समझ सको, अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, अच्छे से लिख सको, ठीक है। सेकंड बात ये हो गई। थर्ड है जिसका सिलेबस बाकी दूसरे ऑप्शनल के तुलना में कम हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट हो, उसका टॉपिक हो जाता है कवर करना, थोड़ा मतलब कि कठिन नहीं है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अगर आप अलग से ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत डिसाइड कीजिए वैसा टॉपिक जो कि जिसका सिलेबस बड़ा हो, बस मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि आप वैसा सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। मतलब आप वैसा टॉपिक डिसाइड कीजिए जिसका आपका जीएस पेपर में भी हेल्प मिले, ठीक है, जीएस पेपर में भी हेल्प मिले, ताकि आपको ऑप्शनल के लिए अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। इतना समझ में आया, तभी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ लिया, इंटरेस्ट भी आपको आ गया, लेकिन इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हम समझ रहे होते हैं, आंसर भी लिख रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, कुछ टॉपिक का डायनेमिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक पूछ दिया गया, तो नहीं, आपका करेंट से रिलेट करके भी कुछ
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक क्वेश्चन देखकर ये समझने में हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन को हम कितना समझ पा रहे हैं, उस टॉपिक पे हमें और भी कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शनल अच्छे से डिसाइड करके सोच समझ कर, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए, अगर आप कंफ्यूज हो फिर भी कि नहीं मुझे फिर भी समझने मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा कठिन है या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप एक काम कीजिए, पहले आप GS फाउंडेशन का क्लास कीजिए, GS का क्लास कीजिए। GS में आपका 4 GS पेपर पढ़ाया जाएगा, आप 3-4-5 महीने GS का पेपर पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा सब्जेक्ट को हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं बाकी कंपेयर में, दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। अब बात आती है कि हम ऑप्शनल डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हम कैसे, मतलब कि मेंस कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि GS पेपर होता है 1000 मार्क्स का। ठीक है, SA पेपर होता है 1-250 मार्क्स, एंड ऑप्शनल होता है 500 मार्क्स, एंड पर्सनालिटी टेस्ट 275। तो यहां से अगर आप 50-50 मार्क्स भी, 50% मार्क्स भी कवर कर पा रहे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे GS 1000 मार्क्स का है तो इसमें मिनिमम आप 500 मार्क्स ला सकते हैं, मिनिमम मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो आपका 500 मार्क्स आ सकता है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी आप लाइए आपके लिए बेटर है। ठीक है, ऐसे 250 का है तो आप मान कर चलिए कि 150 ऐसे 150 तो ला सकते हैं ना ऐसे में, 250 मार्क्स का ऐसे तो 150 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतना ला सकते हैं, इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए कंटेंट भी तैयार रखना होगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी और करेंट अफेयर से अप टू डेट भी रहना है। ठीक है, ऑप्शनल, रही बात ऑप्शनल का, ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये 500 मार्क्स का है, इसमें आप अच्छा 300-350 मार्क्स अगर आप ऑप्शनल में ला रहे तो आपके लिए सही है। तो ऑप्शनल में आप 300-350 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से ऑप्शनल डिसाइड किया है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट भी आपको पढ़ने में और एक्सप्रेस करने में भी इंटरेस्ट है, अच्छे से लिख भी सकते हैं, तो आप 300-350 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में आप 275 में से 175 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, और योजना IAS, योजना IAS में अभी हम ऑप्शनल का क्लास करवा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 9th of October से स्टार्ट हो रही है, 9th of October। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इतना वास्ट, इसका सिलेबस बाकी दूसरे ऑप्शनल्स के तुलना में कम है, ठीक है। और मैथ ऑप्शनल भी यहाँ स्टार्ट हुआ है, मैथ्स ऑप्शनल, पी एस आई आर ऑप्शनल, प्लस पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी रिसेंट में ये सारा टॉपिक ऑप्शनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैथ ऑप्शनल भी 9th of October से स्टार्ट होने वाला है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। PSIR ऑप्शनल 3rd of October से स्टार्ट हो चुका है, तो आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है प्रीवियस ईयर्स का, पिछले क्लास का, आप वो रिकॉर्डेड वीडियो से कवर कर लेंगे। बाकी फ्रेश है एंथ्रोपोलॉजी, मैथ्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम तो आइए और योजना IAS में एडमिशन लीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपकी तैयारी को और भी अच्छा बेहतर बना सके, ठीक है।